फेडरेशन का प्रेसिडेंट बी एन तिवारी, हमने नान कोऑपरेशन का लेटर दिया था मिका जी को, क्योंकि वो हालात आप सबको पता है, ऑलरेडी हमने लेटर दिया हुआ था। मिका जी ने हमें लेटर लिखा था, फ़ोन पर भी हमारी बात हुई थी कि हमको एक बार आप सुने हमारी क्या प्रॉब्लम थी, हम किस वजह से वहाँ गए थे, हमारी देशभक्ति में कहीं से कोई कमी नहीं है, कहीं से हमने कोई ऐसा गलत काम किया नहीं है, मगर ये सच है कि जिस टाइम पर हम गए थे पाकिस्तान वो गलत था, इसके लिए हम पूरे देश से और फेडरेशन से, ख़ास तौर से फेडरेशन जिसका मैं मेंबर हूँ, ये इनका एक परिवार है फिल्म इंडस्ट्री, ये सिंगर हैं और ये फेडरेशन है, इसमें सारे लोग, 32 एसोसिएशन आता है और 5 लाख लोगों की संस्था है ये। इसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे जी, गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव जी, कमेटी के सारे मेंबर, सलाहकार जो हमारे चीफ सलाहकार अशोक पंडित जी, सब लोग हम लोग बैठे। पहले इनको हमने घंटे भर सुना, जैसा कि आप लोग वेट कर रहे थे, सब ने डिसीजन लिया, फिर हम जाकर अलग से बात किए और इस मुद्दे पर पहुँचे हैं कि मिका जी जो है दिन भर का भूला हुआ आदमी, यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इन्होंने अपनी सारी बातें मान ली हैं फेडरेशन के साथ, और इसके साथ ही हमने दूसरी चीज़ भी अनाउंस कर दी है कि कोई भी, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते कुछ भी हो जाएं, कोई भी पाकिस्तानी कलाकार या पाकिस्तानी सिंगर को वेलकम नहीं है इंडिया में, फेडरेशन उसका विरोध करती रहेगी। सरकार चाहे जो भी रिश्ता करे, हमारे पास बहुत टैलेंट है, हम हिंदुस्तान के टैलेंट को ही डेवलप करेंगे, उसी को आगे लेकर जाएंगे। अवेयर दैट फेडरेशन इज़ वेरी सीरियसली टेकन द नोट ऑफ पीपल हु हैव नॉट अबाइडेड बाय द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द फेडरेशन एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, द आर्टिस्ट आर कंसर्न, द टैलेंट्स आर कंसर्न, द पीपल आर कंसर्न। वी हैव इशूड अ नॉन कॉपरेशन अगेंस्ट एनी पाकिस्तानी परफॉर्मर परफॉर्मिंग हियर और एनी इंडियन परफॉर्मर परफॉर्मिंग आउटसाइड, स्पेशली आफ्टर पोस्ट पुलवामा अटैक, एंड वी ऑल वेर अवेयर ऑफ इट। जैसे ही हमें पता चला कि मिका जी हैज़ गॉन एंड परफॉर्म देयर इन पाकिस्तान, वी ऑल वेर इन शॉक, द एंटायर फेडरेशन वॉज इन शॉक, एंड वी इशूड अ नॉन कॉपरेशन। एस तिवारी जी हैज़ सेड दैट दिस इज़ नॉट डन, एंड इमोशनली द एंटायर कंट्री इज चार्ज, इंडिया इज ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। मिका रीच्ड आउट टू द फेडरेशन WICE, ही सेड ही वुड लाइक टू मीट अस, एंड वी एज फेडरेशन, ही बीइंग अ मेंबर ऑफ हिज एसोसिएशन, वी एक्सेप्टेड हिज लेटर एंड वी मेट हिम टुडे, एंड द एंटायर डिस्कशन वेयर ही एक्सप्लेन्ड द फेडरेशन दैट वॉट वॉज द रीजन ही हैड गॉन टू नानका साहब द होली प्लेस फॉर दर्शन्स, एंड ही हैड साइंड दिस कॉन्ट्रैक्ट मच बिफोर द पुलवामा अटैक ऑल्सो, बट वी वेर एट द मोमेंट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट बिकॉज वेदर इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इन ड्यू रिस्पेक्ट टूवर्ड्स अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ फ्रेटर्निटी, ही हैज ओपनली अपोलोजाइज टू द फेडरेशन एंड टू द नेशन एज सच, दैट्स वॉट ही विल से इट हिमसेल्फ ऑल्सो, दैट दिस विल नॉट हैपन अगेन। फेडरेशन हैज इशूड नोटिसेस yesterday and it's issued today also, all the FM stations, all the radio stations, all the music companies, all the producers, all crafts, whosoever it is, will have to stop playing Pakistani singers songs on their stations, and we are going to take this very seriously. On a very serious note, we are approaching the government authorities also, that as Mika rightly said, that I should not be targeted as an individual, and we have told him that it's not he only, sirf yahi nahi hai jinko humne jinke against humne ye non cooperation issue kiya hai, this is an issue which is related to the country and for the artists, for all of us, because artists are not gods, artists, for artists also nation comes first. So till the time the country is not being stopped bleeding because of our neighboring country, we also owe responsibility towards our country. So with all good feelings, with all this thing, because Mika has come,
and he belongs to our industry. He belongs to the association which is our member. We discussed and we debated with him, and we all together, the entire federation and all the affiliates, not only four or five affiliates, we called up every affiliate, and we came to a decision that in good humility and good relation with Mika, because he is a known person from the industry, he is respected in this country, he is a iconic figure in this country of ours, so we will not be harsh enough, and he has a full right, and we all have faith, he also has faith in us, in good this thing. Let us start a new beginning, and we are taking this non-cooperation back with the condition which Mika has told us, committed to us, that it will not happen again. That's all. Mika. Thank you, sir. देखिए, जब मैंने पाकिस्तान में शो करा था, मेरा मेन यही था कि मुझे ननकाना साहब जाना है, सबको पता है कि रास्ते खुले हैं, और पंजा साहब वहाँ गुरुद्वारा, जो कि नवंबर में फिर बहुत बड़ा वहाँ पे फंक्शन होगा, जबकि गुरु नानक देव जी का वहाँ पे जन्मदिन होता है, तो मेरा ऐसा नहीं था, और बहुत पुराना ये शो था हमारा, कमिटमेंट थी, और मैं वहाँ थर्ड को पहुँचा हूँ, तो फिफ्थ को आई गेस कश्मीर का ये जो बहुत बड़ा मुद्दा उठा, तो मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मुझे वहाँ शो करना ही करना है या शौक है, ये ऐसा बाय मिस्टेक हो गया कि एक मैं वहाँ गया और ऊपर से इधर 370 का हो गया था, एंड अगेन मैं पूरे मैंने जब इनके बारे में सुना, इनकी फेडरेशन इतनी पुरानी है और वेल नोन फेडरेशन है, जिन्होंने बहुत सारा काम कर रहे हैं अपने वर्कर्स के लिए, 6,000 घर ये बना रहे हैं, 50,000 मैं पहले 600 से अभी 50,000 तो मेरा सर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब कोई भी आदमी उठ के एक नोटिस भेज देता है, ये इनकी वेल नोन यू नो कंपनी, इनकी फेडरेशन है, आप सही लोगों को सुने, किसी और ने फेक बंदे ने अपना एक नोटिस निकाल दिया, फेक बंदे ने प्रोटेस्ट भी कर दिया, मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ आप सही लोगों को सपोर्ट करें। जब मैंने तिवारी जी के बारे में सुना, पटेल सर के बारे में सुना, इनकी फेडरेशन के बारे में सुना कि ये लोग वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं खुद इनसे मैंने फ़ोन करा, क्योंकि पहले तो मैं यही कन्फ्यूज था कि दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। जब मैंने बहुत सारे मेरे एक्ट्रेस दोस्त का मैं नाम नहीं लूँगा सबसे पूछा, सब ने इनकी तारीफ करी और इनकी फेडरेशन की तारीफ करी, मैंने सर को कॉल करा कि सर इट वॉज़ बाई मिस्टेक, मेरा कोई ऐसा इंट्यूशन नहीं था कि मुझे देश के वासियों को, मेरे फैंस को या फेडरेशन को हर्ट करना है। तो फिर मैंने इनको फ़ोन करा कि मैं आ रहा हूँ एंड मैं स्पेशली आया हूँ, एंड अगेन अगर मेरे से कोई गलती हो गई बाई मिस्टेक तो मैं अगेन क्षमा मांगता हूँ फेडरेशन से भी और पूरे मेरे फैंस से भी, मीडिया से भी और पूरे इंडिया से। अगर मैं यहाँ से गया हूँ, गुरुद्वारा तो खुला ही हो रहा है, वो तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, ठीक है, पुलवामा अटैक के बाद से तिवारी जी ने बताया फिर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ मुझे वीज़ा मिलेगा तो मैं जाऊँगा या ना जाऊँ बताइए। कोई भी यहाँ से जाता है कैसे जाता है, आज मैं न्यूज़ से फिर बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे तो हमेशा आप सपोर्ट करते हो, मुझे आपसे कोई नाराज़गी नहीं है, आपने एक भी बात मेरे अगेंस्ट नहीं करी। अभी किसी क्रिकेटर की शादी हो रही है, आप लोग खुश होकर डाल देते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, आप क्यों सपोर्ट करते हैं, आप बताओ, आप बंद करो, मुझे नाम भी नहीं पता, कोई बॉलर है पता नहीं क्या नाम है, उसको इंडियन लड़की के साथ शादी हो रही है दुबई में, और आप बड़ा खुश होकर डाल देते हो कि हाँ जी उसकी, आपको भी हमारे साथ सपोर्ट करना चाहिए, ये नहीं कि ये लागू सिर्फ मेरे पे होता, आप क्यों गए, कल को आपको वीज़ा मिलेगा आप जरूर जाएंगे। मीका जी बात वीज़ा मिलने की नहीं है, मैं कह रहा हूँ, अच्छा जी अब मैं बोलूँ, सुन लिया, इट वॉज माई मिस्टेक, it won't repeat again. आपसे पूछ रहा, आपका नाम क्या है? वैष्णव। एक सेकंड, एक जस्ट आई एम गोइंग ओनली 2 मिनट्स। आपको पता 2 महीने पहले नया कक्कड़ और आतिफ का शो हुआ, आपको पता क्यों नहीं बोलते आप लोग? आपको पता, एक सेकंड आपसे पूछ रहा हूँ, सोनू निगम और आतिफ असलम का शो हुआ है 4 महीने पहले, क्यों नहीं बोलते आप जस्ट मेरे पे कि आपका नाम होगा मेरी न्यूज़ बनेगी, इसलिए सर वो आप एक सेकंड आप बताइए,
आप बताइए, जवाब दीजिए। अगर आपको नॉलेज है, अभी अभी रश्के का मतलब गाना है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड आप सुनेंगे तो मैं कैसे चलेगा, एक सेकंड आप मुझे, अभी गाना आया है सोचता कौन सी कभी गलत हो गई यार, एक सेकंड आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं नहीं आप मेरी बात तो सुनिए, नहीं नहीं आप मेरी बात, मेरा पहले मेरी बात सुने, मुझे सुनना नहीं आपकी, फिर आप बोलते मैं जा रहा हूँ। उसी जगह पे आतिफ और नेहा का शो हुआ था, आपको पता है किसने कराया था वो शो, किसने कराया बताइए, अब ये चाहते हैं मैं भड़कूं और आपका फिर मीडिया चल जाए, कहाँ पे हुआ था मीका, इनको पता है, आप बताइए ना, इनको पता है, नहीं नहीं उनको